आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुपति मंदिर पहुंचे हैं। देखिए, अब से कुछ ही देर बाद तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूजा अर्चना की जाएगी, वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन समय अनुसार जिस तरीके से कहा गया था कि आज सुबह सवेरे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी अपने कार्यक्रम को संबोधित करने से पहले तिरुपति जाएंगे, वहां पर जो है दर्शन पूजन करेंगे और ठीक उसके बाद जो आज उनकी जनसभाएं हैं वो की जाएगी। तो तेलंगाना में कई जनसभाओं को संबोधित करने के बाद कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने शानदार स्वागत किया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तिरुपति मंदिर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। देखिए, पीएम अपने तिरुपति दौरे के दौरान जो है वो सबसे पहले आज सुबह, क्योंकि दो दिन का ये दौरा है, और सबसे पहले आज सुबह श्री वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जो है पहुंचे, तिरुपति मंदिर में पहुंचे। ये तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए तिरुपति मंदिर की। तो पूजा अर्चना पीएम मोदी की तरफ से की जाएगी और जिस तरीके से अब क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके बाद जो है कई रैलियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि तेलंगाना में 30 तारीख को जो है चुनाव होने हैं और ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जो है वो लगातार जारी है। अगर आप पिछले एक महीने का स्केड्यूल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप उठाकर देख ले तो ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार अभियान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, हर तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है रैलियां की है। और इन सब के बीच में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचे आंध्र प्रदेश और उसके बाद अभी फिलहाल तिरुपति की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी जो है वो तिरुपति मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना की जिस तरीके से तस्वीर आएंगी वो भी सबसे पहले आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए, इस दौरे में सबसे पहले कल देर शाम जो है तिरुमाला पीएम पहुंचे थे, यहां पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया और उसके बाद सुबह सवेरे पहुंचे हैं तिरुपति मंदिर, जहां पर तिरुपति मंदिर में बालाजी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पीएम मोदी पहुंचा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तिरुपति पीएम गए हो, इससे पहले भी जा चुके हैं। और देखिए, कल के अगर कार्यक्रम की बात करें तो आपको बता दें कि तिरुमाला जब पीएम पहुंचे थे दो दिवसीय यात्रा के लिए जो है इंतजाम किए गए हैं पीएम के, क्योंकि दो दिवसीय ये यात्रा है जो अपने आप में बहुत खास हो जाएगी। इसके बाद पीएम जो है तेलंगाना जाएंगे, जहां पर उनकी तरफ से चुनाव प्रचार लगातार किया जा रहा है। पीएम चौथी बार तिरुपति बालाजी के दर्शन कर रहे हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था तब पीएम तिरुपति गए थे, 2015 में गए, 2017 में गए और 2019 में जो है पीएम मोदी आखिरी बार तिरुपति गए थे। लेकिन कोरोना के बाद जो है पहला दौरा है ये पीएम का और इसीलिए बहुत खास हो जाता है। हालांकि हमने कई बार देखा है कि आखिर जिस तरीके से देवी देवताओं को लेकर, जिस तरीके से उनकी मान्यताएं हैं बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, हमने हमेशा देखा है केदारनाथ, बद्रीनाथ या तिरुपति, आप किसी भी मंदिर की बात कीजिए, हमने हमेशा पीएम मोदी का वो एक अलग रूप जो है वो जरूर देखा है। चार बार आज तक जो है पीएम मोदी तिरुपति जा चुके हैं, यानी कि ये पांचवा दौरा। 2014 में जब प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था तब पहली बार गए थे, उसके बाद 2015, 2017, 2019 और कोविड, क्योंकि कोरोना की वजह से ये तमाम मंदिर जो हैं कुछ समय के लिए बंद थे, लेकिन कोविड के बाद अब जो है इस बार पीएम मोदी अब पहुंचे हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए। तो पूरे कार्यक्रम की देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे, सुबह सवेरे की ये तस्वीरें जहां पर पीएम मोदी तिरुपति में दर्शन पूजन करेंगे। लेकिन आप इसके बाद देखिए, अगर इसके बाद के कार्यक्रम की बात करें तो पीएम मोदी जो है तेलंगाना में दो रैलियां करने वाले हैं, शाम को उनका एक भव्य रोड शो होगा। और इससे पहले भी आप याद कीजिए कि पीएम मोदी जिस तरीके से लगातार तेलंगाना की राजनीति में केसीआर और कांग्रेस पर बड़े बड़े हमले कर रहे हैं, कल जिस तरीके से पीएम ने साफ तौर पर कहा केसीआर पर हमला किया लेकिन नाम राहुल गांधी का लिया, और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी को पता था कि वो चुनाव हारने वाले हैं इसीलिए अपनी सीट के साथ साथ वो केरल की भी एक सीट पर चुनाव लड़ने गए और अब यही चीज केसीआर भी कर रहे हैं। हालांकि 30 तारीख को जो है चुनाव होने हैं, चुनाव से पहले चुनावी सरगर्मी जो है वो तेलंगाना में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन उनसे पहले ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती है, तिरुपति मंदिर पहुंचे हैं
पीएम मोदी, तिरुपति मंदिर में पूजा अर्चना उनकी तरफ से की जा रही है और पीएम का एक भक्ति भाव रूप जो है वो किसी से नहीं छिपा है। चाहे आप वो तस्वीरें देखें जब पीएम काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं, चाहे आप वो तस्वीरें देखें जब पीएम पहाड़ों पर होते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ की वो तस्वीरें, या फिर आज तिरुपति बालाजी की तस्वीरें जहां पर पीएम दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हैं। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीर पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए नतमस्तक होकर बालाजी के आगे समक्ष किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लेते हुए, तमाम जितने साधु संत महाराज वहां पर मौजूद हैं उन सब से मुलाकात करते हुए। और ये हमेशा से पीएम मोदी का हमने देखा है कि जब भी पीएम किसी मंदिर जाते हैं, कोई मठ जाते हैं, तो वहां के जो लोग हैं यानी कि साधु संत समाज महाराज जितने भी लोग होते हैं उन सभी से पीएम जो है वो हमेशा मुलाकात करते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि देखिए जब मंदिर में आप जा रखे हैं तो प्राण प्रतिष्ठा और संस्कारों की बात अगर की जाती है तो उन्हें समझा अगर कोई सकता है तो वो उस मंदिर का या मठ का कह लीजिए जो महाराज है, जो पुजारी है, वही बता सकता है। आपको याद भी होगा कि पीएम ने इस बात का जिक्र कई बार किया है कि हमें ये समझना होगा कि आखिर किसी भी मंदिर के जो पुजारी हैं उन्हें क्यों मनाया जाता है, और इसीलिए संस्कारों का जिक्र जो है वो पीएम मोदी कई बार कर चुके हैं और वही संस्कार इन तस्वीरों में दिखते हुए, जहां पर देखिए तिरुपति मंदिर पीएम मोदी पहुंचे, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सवेरे पूजा अर्चना की है। दो दिन का ये दौरा पीएम मोदी का बहुत खास, क्योंकि देखिए 30 तारीख को जो है चुनाव होना है और आज 27 तारीख, यानी कि आप समझिए कि कल शाम तक जो है चुनावी शोर पूरी तरीके से थम जाएगा और इसके बाद 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं 3 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे। हालांकि पूरी तरीके से देखिए सबसे बड़े स्टार प्रचारकों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की, जिनमें सबसे बड़े स्टार प्रचारक माने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, तमाम बड़े नेताओं के नाम है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट की बात करें तो सबसे पहला नाम जो है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, हमेशा सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहता है, क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता है, आप देखिए जहां भी पीएम जाते हैं जिस तरीके से लोगों से मुलाकात करते हैं ठीक उन्हीं के तरीके से हो जाते हैं। चाहे जब आप पीएम को देखें छोटे बच्चों से बात करते हुए, या हम परसों की तस्वीर की बात करें जब पीएम किस तरीके से फाइटर प्लेन तेजस में बैठे, बहुत किस तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से प्रोफेशनल तरीके से वो एक अलग रूप पीएम का दिखा। और आज जब पीएम मोदी मंदिर पहुंचे हैं और मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आखिर किस तरीके से पीएम मोदी की तरफ से देखिए यहां पर पूजा अर्चना जो है की जा रही है। हालांकि तिरुपति मंदिर में जाहिर सी बात है कि अब इस बात के लिए हर कोई मन्नत कर रहा है कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात अभी फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने है कि 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो कहां उनकी सरकार बनेगी, कहां से उनकी सरकार जाएगी और क्या कोई बदलाव जो है वो होने वाला है या नहीं होने वाला। लेकिन उन सब के बीच में आपको ये तस्वीरें दिखा रही हैं जहां पर पीएम मोदी जो है वो पहुंचे हैं तिरुपति मंदिर, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की 5 राज्यों में जीत हो इसको लेकर पूजा अर्चना जो है वो की गई हो। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रांत, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुपति मंदिर में पूजा अर्चना की और ये 5वीं बार है शायद पीएम का दौरा, विक्रांत देखिए बिल्कुल श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर तिरुमाला जिसकी बहुत मान्यता है, देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं अपनी श्रद्धा जताने के लिए आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। प्रधानमंत्री ने भी वहाँ पर आज पूजा की और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि उन्होंने देश के 140 करोड़ नागरिकों की के स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य, उनकी उन्नति, उनकी प्रगति के लिए भगवान के सामने प्रार्थना भी की। और पीएम नरेंद्र मोदी के धार्मिक दौरों पर सवाल उठाता है लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने कभी भी अपनी आस्थाओं को छिपाया नहीं है, उन्होंने खुलकर उसे उजागर भी किया, सबके सामने रखा और हर बार वो जब भी पूजा अर्चना इस तरीके से करते हैं तो उसके बाद उसका संदेश भी आता है। आज भी उन्होंने कहा कि पूरे देश के तमाम 140 करोड़ भारतीयों के स्वास्थ्य, उनकी उन्नति, उनकी प्रगति के लिए उन्होंने प्रार्थना की। तो पीएम का ये दौरा और वहां पर जाकर पूजा अर्चना करना और अभी हमारे दर्शक जो प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं उनके तस्वीरें भी देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर
तिरुमाला मंदिर की एक जो पूरी दुनिया में एक पहचान है, पूरी वहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ लोग वहाँ पर आते हैं। हर साल वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए, तो बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। प्रधानमंत्री भी वहाँ पर गए हैं और उनकी इससे आस्था जो है वो छिपी नहीं है। प्रधानमंत्री अपनी आस्था का उजागर करने, पूजा अर्चना करने वहाँ पर पहुँचे थे। बिल्कुल विक्रांत, और देखिए दर्शकों को एक बार फिर से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। तेलंगाना में कई जनसभाओं को संबोधित करने के बाद जो है रविवार शाम को पीएम मोदी आंध्र प्रदेश जो है पहुंचे थे, और उसके बाद आज सुबह सुबह तिरुपति मंदिर पहुंचे हैं पीएम मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत आपका तमाम जानकारी के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास। तो देखिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना यहाँ पर की। इस दौरान पीएम मोदी पारंपरिक पूजा परिधान में जो है वो नजर आए, जो तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं, जो वहां का पारंपरिक पूजा परिधान है। पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट एक्स पर ये लिखा, तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। यानी कि जब वो वहां पहुंचे उन्होंने बताया कि मैंने आखिर वहां जाकर जो है क्या पूजा प्रार्थना की।